हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर CDP यानी कि बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि एस्टेट के सभी लेवल को टारगेट करते हुए है। साथ ही आपकी जो JBT की भर्ती है उसके लिए भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है। तो इसी सीरीज में एक और लर्निंग की थ्योरी आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले बिहेवियरिज्म की तीनों थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि एक्सट्रीमली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्लीज़ जरूर करिएगा। साथ ही साथ उनके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ और डेली रात को लाइव में आपके कंडक्ट करती हूँ, जिसमें आपको कभी हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, कभी आपके जो बाल विकास है उसके MCQs आपको देखने को मिलते हैं। तो आप डेली लाइव सेशन जरूर मेरा अटेंड करें ताकि आपको कंसेप्ट को लेकर के क्लियरिटी हो। और डेली दिन के अंदर मैं आपको CDP की क्लासेस अपलोड करती हूँ, कभी मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड करती हूँ। तो सभी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से फर्दर डिटेल ले सकते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। चलिए आज की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी थ्योरी रहने वाली है और ये आपकी जो थ्योरी रहेगी वो कोहलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी रहेगा, जो कि हिंदी में अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। इसको कोहलर ने दिया था, इससे पहले हमने बिहेवियरिज्म की थ्योरी यहाँ पर पढ़ी थी। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कोहलर की ये थ्योरी है वो व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी कॉग्निटिविज्म की है। कॉग्निटिविज्म, और कॉग्निटिविज्म से आप सभी को पता ये क्या कहलाता है, संज्ञानवाद कहलाता है। ठीक है, तो जो बिहेवियरिज्म वाले हैं उन्होंने टोटली इग्नोर किया था हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को, कि भाई दिमागी रूप से हम बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं जिनके थ्रू हम अपने जो आइडियाज़ हैं वो लगाते हैं, हम किसी भी समस्या का सॉल्व करते हैं, समस्या का सोल्यूशन निकालते हैं। तो बिहेवियरिज्म वालों ने इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हम कैसे सीखते हैं, हम इंट्रैक्शन करते हुए सीखते हैं एनवायरमेंट में, और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात करी थी बिहेवियरिज्म की थ्योरी में। लेकिन ये कहते हैं कि हम ऐसे नहीं सीखते हैं, हमारा जो सीखने का स्ट्रक्चर है हम कैसे सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सडन आइडिया आता है जिसके थ्रू हम जो है अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो कॉग्निटिविज्म वालों ने बेसिकली बात करी है हमारे मेंटल स्ट्रक्चर की, हमारा जो मानसिक रूप से जो संरचना है जहाँ पर हम जो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोचते समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कॉग्निटिविज्म वाले, जिसको इग्नोर करते हैं बिहेवियरिज्म वाले। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थ्योरी। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि ये जो दिमागी तौर पे जो भी चीज़ें हो रही है उसको उन्होंने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है, जबकि ये कहते हैं कि नहीं, वो ब्लैक बॉक्स नहीं है, उसको व्हाइट बॉक्स कहा जाता है, और यहाँ पर हम चीज़ों को सोचते और समझते हैं, परसीव करते हैं। इतनी चीज़ें दोनों के बीच में आपको पता रहनी चाहिए। और जब बात करते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी की, तो आपको इसके नाम से ही अंदाजा आ रहा है कि हमारे दिमाग में एकदम से सडन आइडिया आता है और हम किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं, तो ये आपकी इनसाइट लर्निंग कही जाती है। किसने दिया है, तो नाम पूरा ध्यान में रखेंगे, वोल्फगैंग कोहलर है, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, नाम आप ध्यान में रख सकते हो, और ध्यान में रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना कहाँ की है, वैसे नहीं पूछा जाता है बट ध्यान में होना चाहिए। तो ये एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट से आप क्या समझते हो, तो इन एक दो थ्योरी और रहती है, इसके बाद मैं सीधे तौर पर आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करके क्लास लूंगी, और उसी के अंदर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपका गेस्टाल्टिज्म भी आ जाता है, जिसको गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ, कंप्लीट आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो गेस्टाल्टिज्म का मतलब होता है कि होल इज ग्रेटर देन इट पार्ट, मतलब एज ए होल देखना किसी भी समस्या को, ना कि उसको टुकड़ों में देखना। ये कहते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को एज ए होल देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं, तो उसका हम सोल्यूशन जल्दी बना पाते हैं, एज कम्पेयर टू कि हम उसको टुकड़ों में तोड़ करके देखें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड, ठीक है। और अगर फादर की बात करें तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, मैक्स वर्दीमर जो है इसके क्या है भाई, जनक कहे जाते हैं, मैक्स वर्दीमर। इसके अलावा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो जनक तो यही कहे जाते हैं, फादर अगर आपसे कोई पूछे, जनक अगर आपसे कोई पूछे, तो मैक्स वर्दीमर आप मार्क करेंगे। इसके अलावा कोहलर का नाम भी इसमें आता है, कोफ्का का नाम इसमें आता है, कोफ्का, और एक कर्ट लेविन का नाम भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कोहलर की हमारी इनसाइड लर्निंग थ्योरी है, कर्ट लेविन ने हमारी एक फील्ड थ्योरी दी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो थ्योरी जो है बहुत सारी है, तो टाइम लगेगा, तो मैं सारी थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन आप KKK करके याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो, KKK। तो भाई बहुत बार पूछा गया है कि गेस्टाल्टिज्म से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट रिलेट करते हैं, नहीं रिलेट करते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा। वैक्स वर्दीमर तो है, इनके जनक कहे जाते हैं गेस्टाल्टिज्म के, और साथ ही इन्होंने भी इनके साथ काम किया था,
जो कि है कोलर, फोका और कट 11। उद्देश्य क्या है सभी का कि ये क्या बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक सडन आइडिया आता है, हम जो हमारे दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है उसका सडन रिकॉग्निशन हम करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है बेसिकली इस चीज का मेन आधार। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनसाइट लर्निंग की बात करें तो डेफिनेशन छोटी सी मैंने यहाँ पर लिख दी है, सडन रिकॉग्निशन ऑफ परसेप्शन, या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ आ प्रॉब्लम। कोई भी समस्या आपके सामने आई है उसके बारे में एक सडन आइडिया अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो क्या कही जाती है, वो आपकी इनसाइट लर्निंग है। कि अंदर से एकदम से आपको उसका अचानक से जवाब आता है तो वो आपकी इनसाइट लर्निंग है, और यही इस थ्योरी का मेन आधार है और इसी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है जी, किसी समस्या के समाधान का अचानक से एहसास होना इनसाइट लर्निंग कही जाती है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो थ्योरी है किसके अगेंस्ट है। सो डेफिनेटली बात है कि ये किसके अगेंस्ट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, जो आपका त्रुटि और प्रयास का, भूल और प्रयत्न का जो सिद्धांत था उसके अगेंस्ट है। क्योंकि इस थ्योरी में हम बार बार किसकी बात करते हैं, हम ट्रायल की बात करते हैं, और हम ये पढ़ रहे थे कि हम बार बार जो है ट्रायल करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। जबकि ये कहते हैं, कॉलर कहते हैं इस थ्योरी के थ्रू कि हमें बार बार गलती करने की जरूरत ही क्या है, जब हम दिमाग से सोच करके उस प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व कर सकते हैं तो हमें बार बार ट्रायल की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कि SR है, यानी कि पहले स्टिमुलस था उसके प्रति रेस्पॉन्स यहाँ पर हो रहा था। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस थ्योरी को अपोज करते हैं तो आप बताएंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अपोज करते हैं। चीजें क्लियर हुई, उसके बाद बढ़ चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किन पर किया था, तो चिंपैंजी पर किया था, और इस चिंपैंजी का नाम क्या रखा गया था, सुल्तान रखा गया था। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल बन जाता है, कई बार आपसे इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बहुत डीप में तो पढ़ लेते हो लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो थोंडाइक है उन्होंने किन पर एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली पर किया था, पैवलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, स्कीनर ने रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और पीजन पर भी किया था, और जो कोहलर है इन्होंने किस पर किया था, एक चिंपैंजी नाम का सुल्तान, चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है। अब एक्सपेरिमेंट को मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, फिगर मैंने बनाया नहीं, आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी पिक्चर जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए बेसिकली। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने एक भूखे जो चिंपैंजी है जिसका नाम सुल्तान था उसको उन्होंने एक बंद कमरे में बंद कर दिया, और ऊपर छत के ऊपर ना, उसके छत पर ना एक इन्होंने रस्सी के थ्रू केले लटका दिए, और उस कमरे के अंदर तीन बॉक्स भी रख करके दिए उसको। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसको भूख लगी और वो उसने कोशिश करी कि ऐसे ही उसको मिल जाए, उसे नहीं मिला तो वो बैठ गया एक जगह। फिर उसके दिमाग में एकदम से आया तो उसने एक बॉक्स उठाया, और एक बॉक्स उठा करके वो उस पर चढ़ के केले उसने पाने की कोशिश करी, तो केले बहुत ऊपर थे। लेकिन फिर उसके दिमाग में एकदम से सडन आइडिया आया, उसने दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स के ऊपर रखा और फिर कोशिश करी, इससे भी उसके वो हाथ नहीं आया। तो उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया, उसने तीसरे बॉक्स को भी उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर चढ़ा और बहुत आराम से उसने केले ले लिए। तो इस थ्योरी के थ्रू यहाँ पर कोलर क्या बताते हैं कि हमारे दिमाग में एकदम से आइडिया आता है और अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर से सुल्तान को बंद किया बंद कमरे में, और वो भूखा था। अब की बार जो केले हैं उन्होंने उस कमरे से बाहर रख दिए, और वो बिल्कुल जाली वाला था जिसके थ्रू उसको वो केले दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसे हाथ डालने से वो केले उसको नहीं मिलने वाले थे। तो जो कोलर है उन्होंने दो डंडियाँ भी रखी थी उसके पास, तो उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। उसने पहले एक डंडी उठाई, एक डंडे से उसने उस केले को खींचना चाहा तो वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसके दिमाग में एक सडन आइडिया आया, उसने दोनों जो छड़ियां हैं उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद वो बड़ी डंडी बन गई और बहुत आसानी से उस केले को ले लिया। सो ये थ्योरी है कि हम किसी भी समस्या को एज ए होल देखते हैं, एज ए मतलब टुकड़ों में तोड़ करके नहीं देखते, और जब भी एज ए होल देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में एकदम से सडन आता है। दिस इज द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, इसके आधार पर इन्होंने इस थ्योरी को गढ़ दिया और यहाँ पर कहा कि हम अपने दिमाग से बहुत सी चीज़ें सोचते समझते और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसीलिए इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अपोज किया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आप अदर नेम आ जाते हैं, भाई क्या क्या इसको अदर नेम बोला जाता है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ। तो समझ सूझबूझ का सिद्धांत इसको कहा जाता है। होलिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, सर्वांगीण सिद्धांत इसको कहा जाता है। गेस्टाल्ट की थ्योरी अगर पूछी जाए तो भी आप इस थ्योरी को मार्क करेंगे। तो ये कुछ अदर नेम है इस थ्योरी के। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है इस थ्योरी के। तो सबसे पहले आप एक ना टीचिंग मैगजीन्स पढ़ते हो, एक शिक्षण का सूत्र आप पढ़ते
करते हो, शिक्षण के सूत्र मैंने आपके साथ करवाए हुए हैं, पैडागोजी में भी डिस्कस करा हुआ है, तो शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं जो मैंने पैडागोजी में डिस्कस कर लिए हैं। होल टू पार्ट्स, ये हम कैसे चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, होल टू पार्ट्स। तो ये जो मैगजीम है वो कहाँ से आया, इसी थ्योरी से आया है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद का मतलब ही यही है कि हम किसी प्रॉब्लम को एज ए होल देखते हैं और हम टुकड़ों में ना देखते हुए उसको एज ए होल देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जो आपकी समस्या समाधान विधि है, वो भी इसी से ही आई है, समस्या समाधान विधि। और जो आपका एनालिसिस मेथड है, वो भी आपका किसके थ्रू आया है, वो भी आपका इसी थ्योरी के थ्रू आया है। सो ये आपका मेन बेस है। इसके अलावा इनकी आलोचना भी हुई है, जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक जनरल चीज़ें बता दी कि हमारे दिमाग में एक सडन आइडिया आता हो जिसके थ्रू अपनी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पर बात नहीं की। तो अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, यहाँ पर क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने फोकस नहीं किया, डिड नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर आपको दिखाई दे रहा है, वैसे अगर आप नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिख लीजिएगा, इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर फोकस नहीं किया, क्योंकि सबके सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, जिनको एक बार में समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बार में ही बहुत आसानी से सीख लेते हैं। कुछ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। तो सबके सोचने समझने की, सबके आइडिया लगाने की जो शक्ति है वो अलग अलग होती है, जिसके बारे में ये बात नहीं करती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात नहीं करते हैं, स्लो लर्नर के बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसे ही इनकी जो है थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई है। तो क्रिटिसिज्म सभी का ही देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी थ्योरी को देख लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप अब आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आज जो है लाइव में आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उस लाइव में भी आप जरूर जुड़ना ना भूलें मुझसे। तो इस थ्योरी में इतना ही है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।